ये बहुतों को पता है, लेकिन यीशु क्यों पैदा हुआ इस मामले में लाखों लोग लापता है। तो हमारे लिए ये जानना कि यीशु पैदा हुआ, इससे ज्यादा जरूरी ये है जानना कि वो क्यों पैदा हुआ। आप सब लोग पैदा हुए कि नहीं हुए? बाकी लोग पता नहीं क्योंकि आवाज नहीं आई। बच्चा जब पैदा होता है वो भी रोके बोलता मैं पैदा हुआ। हेलो, आप सब लोग का जन्म हुआ है कि नहीं? हाँ तो बोलिए ना, अगर आप मानते हैं कि आप पैदा हुए हैं तो बोलिए हाँ मैं पैदा हुआ। बड़ों से तो बच्चे अच्छा बोल रहे। हालेलुया। अगर आपको कोई पूछेगा तुम क्यों पैदा हुए, तो सबसे पहले आप तो उसको घूरेंगे क्यों पैदा हुआ। हाँ, तुम क्यों पैदा हुए। आज मेरे प्यारों, ये बहुत बड़ा दिक्कत है लोगों का। उनको ये पता है कि मेरा जन्म हुआ है, मैं पैदा हुआ हूं, लेकिन क्यों पैदा हुआ मालूम नहीं। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान जो पैदा हुआ है वो अपनी मर्जी से नहीं, उसके माँ बाप की मर्जी से नहीं, लेकिन खुदा की मर्जी से आपका जन्म हुआ है। उसकी मर्जी से, उसकी योजना के वजह से आपको इस दुनिया में लाया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालेलुया। आप यों ही दुनिया में नहीं आए, आपको लाया गया है। बाजू वाले को बोलो आप यों ही नहीं आए, आपको लाया गया है। लाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि माँ के गर्भ में जो है ना, ये सब कुछ, आंख, दिमाग, हड्डी, नस, दिल, किडनी, ये सब कुछ माँ बाप के बस की बात नहीं है, वो तैयार नहीं कर सकते। तो कौन है जो गर्भ के अंदर बच्चे की रचना करता है, सृष्टि करता है? वो है परमेश्वर। तो ये मान लीजिए कि आपको परमेश्वर ने माँ के गर्भ में रचा, उसने आपको तैयार किया, उसने आपको दुनिया में लाया, और लाया है तो यूं ही नहीं लाया है, कुछ सोच के लाया है। पर आज किसी को भी अगर आप पकड़ के पूछो आप पैदा हुए, वो कहेगा हाँ। उसको पूछो क्यों पैदा हुआ। हेलो, कभी कभी माँ बाप लोग भी बच्चे को गुस्से मार कर कहते हैं, अरे तू क्यों पैदा हुआ। बच्चे ने पूछना चाहिए, मैं थोड़ी ना पैदा हुआ, तुमने पैदा किया। हालेलुया। सो यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह ने जन्म लिया, लेकिन क्यों पैदा हुआ ये आज दुनिया में करोड़ों लोगों को नहीं पता। लेकिन आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। समय की कमी है इसलिए हर चीज को हम पढ़ नहीं पाएंगे प्रभु पवित्र शास्त्र से। लेकिन पहला कारण जो मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ, या यीशु मसीह ने धरती पर जन्म क्यों लिया। इब्रानियों 10:9, वहां पे लिखा है, देख मैं आ गया ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, उसने जो जन्म लिया परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। किसकी इच्छा? किसकी इच्छा? आज इस दुनिया में बहुत बड़ा दुखद बात है, हर आदमी अपनी इच्छा पूरी करने में लगा है। बच्चे जो है अपनी इच्छा पूरी करने में लगे हैं, पति अपनी इच्छा, पत्नियां अपनी इच्छा, हर कोई अपनी अपनी इच्छा पूरी करने में लगा है। आपके पास जिंदगी में दो ही चुनाव है, या तो आप अपनी जिंदगी में अपनी इच्छा पूरी करके मर जाओ, और या तो अपने भेजने वाले, बनाने वाले परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके मरो। हालेलुया। एक बार दो जन थे, मर गए, दोनों मरने के बाद ऊपर गए, आपस में डिस्कस कर रहे कि तुम कैसे मरे। उसने कहा मैं सोच सोच के मरा। दूसरे को पूछा आप कैसे मरे, उसने कहा मैं ठंड के मारे मरा। फिर उसने उसको पूछा आप सच में सोच सोच के मरे, उसने कहा हाँ मैं सोच सोच के मरा।
उसने कहा ऐसा हुआ क्या जो आप सोच सोच के मर गए? उसने कहा एक बार मैं जब धरती पे था तो मेरे घर से निकल कर मैं जा रहा था और अचानक से कोई तो मेरे घर में घुस गया और मुझे ऐसा लगा कि कोई तो मेरे घर के अंदर घुसा और मैं वापस मेरे घर की तरफ आया और जो व्यक्ति मेरे घर में घुसा था उसको मैं ढूंढने लगा और ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया, वो मुझे मिला ही नहीं। तो वो कहां गया ये सोच सोच के मैं मर गया। फिर बोलता अच्छा जाने दो, आप बताओ आप ठंड के मारे कैसे मरे? उसने कहा मैं उसी घर में फ्रिज में था। कई लोग हैं ठंड के मारे मर रहे, कई लोग सोच सोच के मर रहे, कई लोग खा खा के मर रहे, कई लोग सो सो के मर रहे और कई लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर करके मर रहे। मरना तो सबको है, हालेलुया। चाहे अमीर रहो, चाहे गरीब रहो, चाहे चाली में रहो, चाहे बंगले में रहो, मरना तो हर किसी को है, हालेलुया। लेकिन मरने के बाद क्या? ये जिंदगी 60, 70, 80, 100 उसके बाद क्या? तो यीशु मसीह कहता है देख मैं आ गया ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु मसीह इस दुनिया में जो आए मानव रूप धारण करके वो परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आए। हालेलुया, परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। आज इंसान इतना गुमराह हो गया है, इतना स्वार्थी और मतलबी हो गया है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर को मानता है लेकिन उसकी इच्छा पूरी करना नहीं जानता। कई बच्चे हैं जिनको पता है ये मेरे मम्मी है मेरे डैडी है लेकिन मम्मी डैडी की जो इच्छा है ना वो बच्चे पूरी नहीं करते। और आजकल के तो बच्चे बहुत ही एकदम अलग हो गए, वो अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, मम्मी मैं ऐसा चाहता हूं, डैडी मैं ऐसा चाहता हूं। साफ शब्दों में कहूं दुनिया में अक्सर हर किसी को अपनी ही इच्छा प्यारी लगती है, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने आया। अब मेरा सवाल है परमेश्वर पिता की इच्छा थी क्या जिसको पूरी करने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा? तो आपको बताना चाहते हैं दूसरा पत्रस 3:9 वहां पे अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर पिता की इच्छा यह है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में नाश ना हो, कोई भी व्यक्ति दुनिया में नाश ना हो, मरने के बाद वो नरक में ना जाए, ये परमेश्वर पिता की इच्छा है, हालेलुया। और परमेश्वर की इस इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया। ऐसे के 33:11 वहां पे भी लिखा मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्यारों मैं आपको बता दूं इस दुनिया में लोग जो नाश हो रहे जो मर रहे उनके मरने से उनके नाश होने से परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता। कई लोग तो दोष लगाते वो है तो किधर है, क्यों नहीं सब रोकता? कौन माँ बाप अपने बच्चे को नाश होता हुआ देखकर खुश होता है? कोई माँ बाप नहीं चाहता कि आपके बच्चे बर्बाद हो जाए, आपके बच्चे लूट जाए, आपके बच्चे तबाह हो जाए, नाश हो जाए। कोई माँ बाप नहीं चाहता, भले बच्चे बदमाश है नटखट है, माँ बाप की सुनते नहीं है तकलीफ देते हैं, फिर भी माँ बाप अपने दिल से उनको दुआ ही देते हैं, हालेलुया। जब आप अपने बच्चों को नाश होते हुए नहीं देखना चाहते हो तो परमेश्वर पिता जिसने दुनिया के हर माता पिता को बनाया है वो कैसे किसी को नाश होता हुआ नरक में जाता हुआ देख सकता? नहीं देख सकता, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, हालेलुया। लेकिन लोगों को नाश होने से बचाना है तो उसके लिए यीशु मसीह को अपना प्राण गंवाना पड़ा।
उसने अपनी जान दे के मेरी और आपकी जान बचाई है, इस बात को ध्यान में रखना। हालेलुया। आपको पता है इस देश में बहुत सारे ऐसे देशभक्त थे जो मर गए, उनको मार दिया गया, सही बात है हाँ। लेकिन आपको पता है ना, उनके शहीद हो जाने से, उनके मर जाने से ही देश को आजादी मिली है, पता है कि नहीं पता। तो जिनके मर जाने से, जिनके शहीद हो जाने से आपको आजादी मिली है, आप ऐसा बोलोगे अरे वो तो खुद ही मर गए, वो हमको क्या बचाएंगे, वो हमको क्या आजादी दिलाएंगे, आप ऐसा उनके बारे में बोल सकते हैं। पर कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह तो खुद ही मर गए, वो हमको क्या बचाएंगे। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि उसकी मौत में ही हमारी जिंदगी छिपी थी। मसीह का गम हमारी खुशी बन गई, मसीह का गम हमारी खुशी बन गई, मौत उसकी हमारी जिंदगी बन गई। हालेलुया। यीशु मसीह के मरने में, उसके खून बहाने में मुझे और आपको जिंदगी छिपी थी। उसका मरना बहुत जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मौत है। और पूरी दुनिया के लोगों ने पाप किया, उनके पापों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और सबका पाप उसने अपने ऊपर लिया और सबके पापों के क्षमा के लिए उसने लहू बहाया। आज उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में मुक्ति है, उसके नाम में जन्नत है। हालेलुया। थोड़ा कुछ और कहना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय एक्चुअली बहुत कम है, क्योंकि अगर आप वेदों में पढ़ेंगे, अगर आप पुराण को पढ़ेंगे, पहले किताबों को पढ़ेंगे, तो लोग अपने पापों की क्षमा के लिए भेड़ और बकरों का बलि करते थे। लेकिन आपको पता है लॉन्ड्री में क्या होता है, कई ऐसे कपड़े होते हैं जिनका दाग नहीं निकलता, वो उसको डाई करा के लेते, दाग अंदर ही रहता है, सिर्फ ढक जाता है। तो भेड़ और बकरों के लहू से पाप कभी मिटता ही नहीं था और आज भी नहीं मिटता। और इसीलिए यीशु मसीह स्वयं मानव बनकर आए कि मनुष्यों के पाप के लिए मनुष्य चाहिए। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति ने मर्डर किया है तो आप अपने बदले आपके घर के कुत्ते बिल्ली को फांसी पे नहीं चढ़वा सकते। अगर आपने गुनाह किया है तो आपकी जमानत के लिए आपके घर का कुत्ता नहीं आ सकता, कोई इंसान ही आना चाहिए। और इंसानों ने पाप किया, इसलिए इंसानों के पाप की जमानत के लिए यीशु मसीह को मनुष्य बनकर इस दुनिया में आना पड़ा, जन्म लेना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है लूका 9:56, मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, यीशु मसीह दुनिया में लोगों के प्राण को नाश करने नहीं लेकिन बचाने आए। मैं बचपन से सुनते आए, जब जब दुनिया में पाप बढ़ता है, ऊपर वाला किसी न किसी अवतार में नीचे आता है, सबका नाश कर देता है। फिर जब मैं प्रभु यीशु में आया, मेरे दिमाग की बत्ती जली और परमेश्वर ने कहा बेटा डॉक्टर कौन है, जो मरीज को मार डालता वो डॉक्टर है कि जो मरीज को ठीक करता वो डॉक्टर है। हेलो, आप लोग किसको डॉक्टर मानते हैं? ऐसा डॉक्टर, डायबिटीज है मार डालो, कैंसर है मार डालो, ब्लड प्रेशर है मार डालो, वो डॉक्टर है या वो बीमारी को ठीक करता है और बीमार को बचाता है वो डॉक्टर है? हाँ, वैसे ही जो पापी का नाश करे वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर वो है जो पाप खत्म करे और पापी को जीवन दे। मुझे वो परमेश्वर चाहिए, किसी को भी ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए कि बीमारी बताते ही वो ऐसा इंजेक्शन देता है और आप खलास। सबको ऐसा डॉक्टर चाहिए जो मुझे ठीक करे, मुझे जिंदगी दे, मुझे स्वस्थ करे। वैसे ही मुझे ऐसा परमेश्वर चाहिए
जो मुझे माफ करे, मेरे पापों को क्षमा करे और मुझे जीवन दे। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जो है लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं लेकिन बचाने आया। क्या करने आया? बचाने आया। हालेलुया। क्यों यीशु ने जन्म लिया? आपके प्राण को बचाने के लिए। इसीलिए आप आज जिंदे। हालेलुया। कितने करोड़ लोग 2 साल के दरमियान दुनिया छोड़ के चले गए, आप कितने खुशनसीब है कि आप रह गए। आप इसीलिए रह गए क्योंकि परमेश्वर ने आपको जिंदा छोड़ दिया, वरना जिंदगी और मौत के आगे तो साइंटिस्ट की भी नहीं चलती है। हालेलुया। फिर और एक कारण बताना चाहता हूं, मरकुस 10:45, यीशु मसीह मनुष्यों की सेवा टहल करने आया। यीशु मसीह मनुष्यों की सेवा टहल करने आया। आप सोचिए कि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया मेरी और तुम्हारी सेवा करने के लिए। हेलो, परमेश्वर मनुष्यों की सेवा टहल करने के लिए इस धरती पर आया। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, यीशु मसीह क्रूस पे जाने के पहले उसने अपने 12 चेलों के पैरों को धोया। वो बात मेरे दिल को इतनी लगी कि प्रभु जिस मनुष्य को तूने अपने हाथ से बनाया आज उन्हीं के पैरों को तू अपने हाथों से धो रहा है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य की सेवा टहल। आज आपका जीवन क्या दूसरों की सेवा टहल में बीतता है? कितने ऐसे जवान बच्चे हैं आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं? कितनी ऐसी पत्नियां हैं जो आप सच में ईमानदारी से अपने पति की सेवा करती हैं? या कितने ऐसे पति हैं आप अपने पत्नी बच्चों की सेवा करते हैं? क्या फायदा करके देवा देवा अगर जिंदगी में ना करे किसी की सेवा। आज बहुत सारे लोगों का जो जीवन है दूसरों के लिए सेवा बोलकर नहीं है, मेवा के लिए सेवा कभी नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सेवा करो आपको मेवा मिलेगा। हर जवान बच्चों से कहूंगा आप अपने माता पिता की सेवा कीजिएगा, पति पत्नी आप एक दूसरे की सेवा कीजिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने खुद किया है। आज प्रभु ने मुझे भी रखा है आप लोगों की सेवा के लिए। हालेलुया। आपकी सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे रखा है, और सेवक वही है जो दूसरों की सेवा करे, जो सेवा नहीं करता वो सेवक नहीं है। हालेलुया। हर किसी को हर किसी की सेवा करनी चाहिए, पर आज तो सबको एक नशा छाया है, सब मेरी सेवा करे। पति सोचता पत्नी मेरी करे, पत्नी सोचती पति मेरा करे। अब हर कोई एक दूसरे से अपेक्षा रखने लगा है कि मेरी सेवा हो, मेरी सेवा की जाए। आज बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए दे देते हैं। आज मदर टेरेसा पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि उसने अपना जीवन अनाथ बच्चों के गरीबों की सेवा के लिए दे दिया। मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा नहीं करते और दूसरों की सेवा नहीं करते, ऐसी जिंदगी पर धिक्कार और लानत है, कुछ मतलब नहीं जिंदगी का। हालेलुया। कितना पढ़ाई किया, कितना डिग्री हासिल किया, कितना पैसा कमाया, कितना नाम कमाया, कुछ मतलब नहीं है अगर आपकी जिंदगी दूसरों के काम ही नहीं आती, तो ये जिंदगी का मतलब क्या है? अगर आपका जीवन प्रभु के सेवा में नहीं बीतता है तो प्रभु में रहकर क्या फायदा? करना है जो काम खुदा का वो करके ले लो अभी, लाख चाहकर भी मौका ना मिलेगा, मरने के बाद फिर कभी। चले तो आए हमें जहां में खुदा के लाने से,
चले तो आए हम जहां में खुदा के लाने से, पर अब तक तुमने क्या किया है खुदा के बताने से। खुदा ने लाया, मैं और आप सब चले आए, लेकिन आज तक जिंदगी इतनी बीत गई, प्रभु की इच्छा पूरी किया क्या? प्रभु की सेवा किया क्या? हालेलुया। हेलो, सच कहूं, नाम जपने से कुछ नहीं होता। नहीं तो अगर नाम जपने से सब कुछ होता है तो हर बच्चे मम्मी डैडी मम्मी डैडी मम्मी डैडी बस इतना ही करेंगे, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, वो कुछ कहेंगे उनकी आगे का पालन नहीं करेंगे, और कहेंगे मम्मी मैं आपका नाम सुबह शाम लेती हूँ, डैडी मैं सुबह शाम आपका नाम लेता हूँ। तो ध्यान से सुनिए, नाम लेने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। नाम लेना बहुत आसान है, कोई भी किसी का भी नाम ले सकता है, क्योंकि वो सबसे शॉर्टकट आसान चीज है। लेकिन जब आदमी काम करता है तब सांस फूलती है, तब दम निकलता है, तब उसका एनर्जी जाता है। हालेलुया। तो बाजू वाले बोलो, नाम लेने से काम नहीं होता। बोलो, मुझे मिलते कहते हैं मैं उनका नाम लेता हूं। नाम मत लो, काम करो। हालेलुया। हालेलुया। क्या बिरयानी बिरयानी बोलने से घर में बिरयानी पक जाती है क्या? औरत को मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पकाना पड़ता है, दो घंटा जाता है तब जाके बिरयानी तैयार होती है। हाँ, रानी को भी मेहनत करना पड़ता है बिरयानी के लिए। तो नाम लेने से काम नहीं होता बाबू। यीशु मसीह ने अंधे लंगड़े गूंगे बहरे गरीब सबको ठीक किया, सबकी सेवा किया। हालेलुया। और जल्दी से बस कुछ बोल के हम खत्म करेंगे। वह खोए हुओं को ढूंढने आया, लूका 19:10। वह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। ऐसाया 53:6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाए भटक गए थे। हम सब के सब, सुन रहे, हाँ, हम सब के सब भेड़ों के नाए भटक गए थे, अपनी दुनियादारी में अपने रास्ते पे चल पड़े थे, पर यीशु हमें ढूंढने आया। हालेलुया। जब बच्चे भटक जाते हैं तो उनको कौन ढूंढने आता है? बोलो, पड़ोसी। हाँ, अरे जिसका बच्चा घूमेगा वो ढूंढेगा कि उसका पड़ोसी ढूंढेगा? माँ बाप ढूंढेंगे ना। तो मनुष्य जब पाप में भटक गया, गुमराह हो गया, तो उसको ढूंढने कौन आएगा? परमेश्वर। एक देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है, और एक ही दुनिया है, एक ही परमेश्वर है, याद रखना। सबके लिए एक ही सूरज है, एक ही चांद है, एक ही धरती है, सबके लिए एक ही आसमान है, सबके लिए एक ही हवा है, और सबके लिए एक ही पानी है पूरी दुनिया में। वैसे ही परमेश्वर भी एक ही है। उसको जानो, उसको मानो, उसको जानो, उसको मानो, और उसी के हो जाओ। मांगो उसी से जो देता है खुशी से, कभी नहीं कहता किसी से। हालेलुया। मैं हमेशा लोगों से कहता, हाथ फैलाना है तो उस खुदा के सामने फैलाओ जिसने आपको हाथ दिया है। वो इतना देगा जिंदगी भर दूसरों को देते रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर झुकना है तो उसके सामने झुको जिसने आपको घुटना दिया। रोना है तो उसके सामने रो जिसने आंखें दी है। वो सदा के लिए तुम्हारे आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। बस मैं खत्म करने कगार पे हूं। वहां लोगों को रोशनी देने आया। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे इतना सारा ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये है, वो है, खंभे की भी लाइट लगी है। सुनिए, यूहन्ना 12:46, यूहन्ना 12:46, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। ये वचन जो है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, ये वचन मत्ती 4:16 में है। और जो पहला यीशु मसीह रोशनी देने आया, वो कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना चले।
जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं चलेगा। दूसरा, जो यीशु पे विश्वास करता है बाइबल कहती है उसका नाश नहीं होगा। हालेलुया। तीसरा, बाइबल कहती है जो कोई उस पे विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। चौथी बात, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। और एक बात बताओ, जो उस पर विश्वास करेगा वो उसी का हो जाएगा। हालेलुया। सबके अंदर विश्वास है, लेकिन विश्वास कहां पे लगाया है वो बहुत बड़ी चीज है। किसी को सूरज में विश्वास है, किसी को चांद में है, किसी को पेड़ों में है, किसी को पहाड़ों में है, किसी को जानवरों में है। इंसान भूल गया कि ये सबको किसने बनाया। उस परमेश्वर में विश्वास करो। हेलो, पेड़ों में नहीं, पौधों में नहीं, जानवरों में नहीं, गाय बैलों में नहीं, आसमान में नहीं, धरती में नहीं, लेकिन ये सब की रचना जिस परमेश्वर ने की। विश्वास करना है तो परमेश्वर में विश्वास करो। ये आसमान टल जाएगा, धरती टल जाएगी, सूरज चांद तारे एक दिन सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खुदा जो रहेगा सदा, उस पे विश्वास करो। आप भी उसके साथ रहेंगे सदा। दिल में अपने जो यीशु मसीह को बसा लेता है, दिल में अपने जो यीशु मसीह को बसा लेता है, धरती पर रहकर भी वो जन्नत का मजा लेता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह रोशनी बनकर आया इस दुनिया में रोशनी देने के लिए, और जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। आखिरी एक दो वचन कह के हम खत्म कर रहे हैं। वह हमें शांति देने आया। क्या देने आया? शांति। कई लोग का नाम माफ करना, यहाँ पे ऐसे होंगे कोई बहने, आपका नाम शांति होगा, लेकिन कई लोग के जीवन में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, लेकिन नाम क्या रखा है? शांति। जिधर भी जाएंगे उधर ही मचाएंगे क्रांति। क्या नाम है? शांति। हालेलुया। आज बहुत सारे पति पत्नी के बीच में शांति नहीं है, परिवारों में घरों में शांति नहीं है। पैसा बहुत है, घर आलीशान है, नौकर चाकर सारी सुविधा है, फिर भी दुनिया भर की दुविधा है, शांति नहीं। आज लोग शांति की तलाश में, आपको पता है कितने लोग सुसाइड करते हैं? ये जो लोग सुसाइड करते हैं ना, क्यों? उनका जीवन में शांति नहीं है। आज पूरी दुनिया में अशांति जो है वो राज कर रही है, क्योंकि शांति बनिया की दुकान में नहीं और मेडिकल में नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास मिलती है। यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है, वो शांति देने आया। लिखा है यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुमको अपनी, कौन सी? अपनी, यानी कि परमेश्वर कहता मैं तुमको मेरी शांति देता हूं। आज पता है आपको परमेश्वर की शांति की जरूरत है। कई लोगों के पास अच्छे अच्छे खाना कपड़ा घर नौकर चाकर सब है, लेकिन घर में ना शांति नहीं है, पति पत्नी के विवाहित जीवन में शांति नहीं है, उनके जो भी दो चार बच्चे उनके बीच में शांति नहीं है, जिस एरिया में रहते उधर शांति नहीं है। कई लोगों ने नगर नगर का नाम रखा है शांति नगर, उस नगर में भी शांति नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह जो है शांति देने आया। क्या देने आया? अगर किसी का भी जीवन में शांति नहीं है, मैं कहूंगा यीशु मसीह के नाम में आज परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो शांति देने के लिए आया। आज किधर भी जाओ आप पूरी दुनिया में, देखो शांति नहीं, लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से नफरत करेंगे, लोग स्वार्थी हो गए, मतलबी हो गए, शांति नहीं। सच कहूं दुनिया से शांति निकल चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब अगर शांति चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास।
यीशु मसीह के पास वही शांति का परमेश्वर है। सिर्फ वही आपको एक सच्ची शांति दे सकता है। उसके प्यार में कभी धोखा नहीं, याद रखना मेरे प्यारों, उसके प्यार में कभी धोखा नहीं होता। परमेश्वर से प्यार करो, उससे दिल लगाओ, आप कभी धोखा नहीं पाओ। हालेलुया। खुदा करे तुम्हें जिंदगी में कभी कोई गम ना हो, खुदा करे तुम्हें जिंदगी में कभी कोई गम ना हो, खुशियां वो तुम्हें इतनी दे कि कोई छीने तो भी कम ना हो। परमेश्वर की शांति इतनी अद्भुत है मेरे प्यारों, लोग आपको सता सता के थक जाएंगे, लेकिन आपकी शांति खत्म ही नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या देने आया? हाँ, कुलसियों 3:15 में लिखा है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। प्रभु की जो शांति है वो हृदय में रहता है। आज मैं बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं, जितने भी लोगों के हृदय में, आपका घर में, जीवन में, विवाहित जीवन में, या आपका और किसी बात में शांति नहीं है, आज यीशु मसीह आपको शांति देने वाला है। और इस बात की गवाही आप लोग ही आने वाले दिनों में देंगे। हालेलुया। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शांति को खो दिया। आपके पास गहने बहुत होंगे, कपड़े बहुत होंगे, शक्ल के बहुत खूबसूरत होंगे, अच्छा आपका पोस्ट होगा, अच्छा सैलरी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आज जीवन में शांति नहीं, घर में शांति नहीं। क्यों? हेलो, हमको आज शांति, कई लोग घर में पड़ते, चुप रहो चुप रहो चुप रहो सब लोग चुप रहो, मुझे शांति दो। जिसकी बीवी का नाम शांति है उस आदमी के भी जीवन में शांति नहीं। 60 साल, 50 साल, 30 साल जितना भी उसके साथ रहेगी तो भी उसका जीवन में शांति नहीं, क्योंकि शांति बीवी की ओर से नहीं आती, शांति बेशुमार दौलत से नहीं आती, शांति शराब पीने से नहीं आती, शांति परमेश्वर से प्यार करने से, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से, परमेश्वर के पास आने से शांति मिलती है। हालेलुया। यीशु ने कहा, हे बॉस से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मतलब मैं तुमको आराम दूंगा, मैं शांति दूंगा, सुकून दूंगा। तो सुकून कहां मिलता है? दवाओं में नहीं, शराबों में नहीं, यार दोस्तों की पार्टी में नहीं, हेलो, रिसोर्ट में नहीं, मॉल में नहीं, शांति तो खुदा के कदमों में, खुदा के वचनों में शांति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कुछ है मेरे प्यारों, मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि समय नहीं है। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप अपनी शांति खो चुके। आप में से कई ऐसे लोग यहाँ पे हैं, आप ना टूट गए, आप ना जीना नहीं चाहते, कंटाल गए हैं, लेकिन कोई है बच्चों की मजबूरी की वजह से जी रहा है, या कोई और किसी बात के वजह से आप जी रहे हैं। कई लोग यहाँ पे ऐसे ना, आप ना एक्चुअली जीना नहीं चाहते, आप कंटाल, बार बार आपको सुसाइड के थॉट्स आते हैं। कई लोग लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप अपनों से परेशान, गैरों से ज्यादा आज लोग अपनों से परेशान हैं, कई पतियां पत्नी से, पत्नियां पति से, कई माँ बाप बच्चों से परेशान हैं,
कई सास लोग बहू से परेशान, कई बहू लोग सास से परेशान, कई लोग अपने पड़ोसी से परेशान। आपका जीवन दूसरों के लिए शांति, दूसरों के लिए सेवा, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। हम कभी भी किसी के लिए श्राप नहीं बनना चाहिए, किसी के लिए भूकंप ज्वालामुखी तूफान नहीं बनना चाहिए। हम किसी के लिए ठोकर का कारण, किसी की आंख का आंसू नहीं बनना है। यीशु मसीह कभी किसी के लिए उसकी आंख का आंसू नहीं बना, लेकिन आंसू को पहुंच रहा। यीशु मसीह ने कभी किसी से अपनी सेवा नहीं करवाई, लेकिन वो मरते दम तक सबकी सेवा करते रहा। हालेलुया। उसने अपने माँ बाप की सेवा की, उसने अपने चेलों की सेवा की, उसने अंधे लूले लंगड़े गूंगे बहरे की सेवा की, उसने मेरी और आपकी भी सेवा की। आज ये जिंदगी जो भी थमली है ना, सच कहूं उसने सेवा की है। आपका उद्धार कर दिया, आपको चंगा कर दिया, आपकी जिंदगी सवार दी। आप कहां थे, आप कहां आ गए? हेलो, आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष बनने दो मेरे प्यारो। आपका जीवन दूसरों के लिए शांति प्यार, आपके आपके द्वारा दूसरों को इज्जत मिलने दो। सिर्फ यीशु जन्मा गाना गाने से, नाचने से कुछ नहीं होगा। बाजू वाले को बोलो, कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। अगर पत्नी पति से रोज कहेगी मैं तुम्हारे लिए बिरयानी पुलाव चिकन तंदूरी ये वो दुनिया भर का बोलती बनाओ के बनाओ, बनाती कुछ नहीं, फिर क्या बोलेगा पति? पहला कुछ तो बना, बना पहला बना के देख, करके दिखा फिर मानता हूं। तो कुछ लोग बहुत वचन देते, बहुत बोलते, कर दे कुछ नहीं। कई लोग कहते मैं अभी से सुधरूंगा, अभी से ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। वो गर्मी इधर ही महसूस होती है, घर जाने के बाद वापस उसी अपनी दुनियादारी में आ जाते, फिर से घर में लड़ाई झगड़ा, फिर से मारपीट, फिर मेरे प्यारे यीशु मसीह घर में नहीं आया। यीशु मसीह ने कभी किसी का शांति भंग नहीं किया, कभी किसी को रुलाया नहीं उसने, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का दिल नहीं तोड़ा उसने। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फिर से कहूंगा, परमेश्वर से प्यार करो, उसके पास बार बार जाओ, आपको वो शांति दे और आप दूसरों को शांति बांटेंगे। हालेलुया। क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं? हाँ, जैसे बैठे ऐसे बैठे रहो, अपनी आंखें बंद कर ले और नम्रता से अपने सिर को झुका ले। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम धन्यवाद देते, तू यहां मौजूद है, तेरे वचन के द्वारा तूने लोगों से बातें किया, उनके हृदय को प्रभु तूने टच किया है, लोगों के मनों को तूने स्पर्श किया है, जिंदगियों को तूने छुआ है प्रभु। जितने भी शैतानी जुआ, शैतान के जितने वैदिक अधिकार और सामर्थ गढ़ बंधन, जितना भी कोई झाड़ टोना की शक्ति, जितना भी कोई गालियां बदुआएं कोसना ये लोगों के जीवन पर है, आज यीशु के नाम है तोड़ दे। हर शैतानी जुआ तोड़े इन सब के ऊपर से, दुष्ट के घड़ों को उठा लेते हैं मेरे परमेश्वर। शैतान की वो सारी शक्तियां, वो खाल जो इनके जीवनों में घरों में चल रहा है, यीशु तेरे नाम में नाश कर देते हैं, नाश कर देते हैं। इनके जान में जान आए, इनके मन में इसी वक्त, इनके हृदय में प्रभु आपकी शांति को रिलीज कर दे। यीशु मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें स्पर्श करे, तुमसे बात करे। प्रभु विवाहित जीवन में शांति, बच्चों के जीवन में शांति, पति पत्नी के बीच में शांति मेरे परमेश्वर, कलीसिया के लोगों के बीच में शांति, तेरी शांति स्वीकार करो अपने हृदय को खोल कर। आज शांति का परमेश्वर शांति दे रहा है, प्रभु तेरी छंगाई को इस जगह में हम रिलीज करते हैं,
बीमार चंगे हो, पीड़ित लोग प्रभु जी ठीक हो जाए, परमेश्वर अशुद्ध विचार निकल जाए, सारी आशमा कड़वाहट घृणा बदले की भावना इसी वक्त दूर हो, परमेश्वर तेरी शांति स्थापित हो इसी वक्त हर बच्चे, हर शादी सुधा के ऊपर, हर बुजुर्ग के ऊपर, हर माँ बाप के ऊपर इस वक्त प्रभु जितने आज यहाँ आए सबके ऊपर तेरी शांति को स्थापित करते हैं। स्वीकार करो परमेश्वर की शांति को। थैंक यू जीसस। शांति का परमेश्वर, शांति देने आया, तेरी ज्योति चमके प्रभु जी, तेरी ज्योति को चमका प्रभु। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें जो अपने हाथों से बनाया, मरने के पहले तूने अपने हाथों से हमारे पैरों को धोया मेरे परमेश्वर, क्या गजब का तूने सेवा किया। तेरी सेवा परमेश्वर काबिले तारीफ है। तेरा प्यार अपरंपार है मेरे प्रभु। तेरी शांति मनुष्य की समझ से परे है। तेरे लोग शांति पाए, तेरे लोग चंगाई पाए, तेरे लोग छुटकारा पाए, तेरे लोग आशीष पाए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपकी खोई हुई शांति आपको लौटा रहा है, आपकी शांति आपको लौटाई जा रही है, आपकी खुशियां आपको लौटाई जा रही है, आपका आशीष परमेश्वर फिर से आपको दे रहा है। यीशु मसीह के नाम है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने सिर्फ बात ही नहीं किया है लेकिन अपना कार्य भी किया है। हालेलुया। आप देखोगे आज से परमेश्वर की शांति को आपके विवाहित जीवन में। कान खोलकर सुने शादी शुदा लोगों, कान खोलकर सुनो, तुम्हारा विवाहित जीवन में आज से तुम परमेश्वर की शांति को देखोगे। लेकिन उसको बिगाड़ना नहीं, उसको बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में। आप अपने घरों में शांति देखोगे। हालेलुया। जो तुम्हारे दुश्मन थे, तुम्हें परेशान करते थे, उनसे भी यीशु के नाम में तुम्हें आज से शांति मिलेगी। हालेलुया। तुम्हारे बच्चों के बीच में तुम शांति देखोगे। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रचारक आएगा, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता आएगा, वो कुछ बोलेगा, यस मास्टर, यस मास्टर। हेलो, और अपना बोले तो क्या बोले, अपना बोले तो वो बोले जो कोई ना बोले। बहरे के भी कान खोले। हालेलुया। पता है बच्चे दूसरे के माँ बाप के द्वारा नहीं, उनके माँ बाप के द्वारा आशीष पाते हैं। आपके बच्चों की आशीष आपके हाथ में है, पड़ोसी वाले माँ बाप के हाथ में नहीं है। हेलो, सुन रहे हैं?